नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, धीरे धीरे ठंडी का मौसम आ रहा है और गर्मी का मौसम जा रहा है। ठंडी के मौसम में जो भी सब्जियाँ आती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो उसका कलर ना जाए और सब्जी टेस्टी कैसे बने, इसी के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि फूल गोभी की सब्जी बना रहे हैं तो फूल गोभी की सब्जी में एक छोटा चम्मच दूध या फिर सिरका डाल दें तो फूल गोभी का रंग सफ़ेद ही रहेगा, पीला नहीं पड़ेगा। जब भी आप सब्जी वैसे बनाते हैं तो सब्जी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, पीला हो जाता है, उसका पीला ना होना इस उपाय को ज़रूर ट्राई करें। दूसरा उपाय है, हरी मिर्च को फ्रिज में अधिक दिनों तक ताज़ा रखने के लिए उसके डंठल यानी कि जो उसमें डंठल लगा होता है उसे तोड़कर हवा बंद यानी एयर टाइट कंटेनर में रखकर बंद कर देना है, अच्छे से बंद करके उसके बाद फ्रिज में रखना है। तब आपकी मिर्च 15 से 20 दिनों तक हरी बनी रहेगी और ताज़ा बनी रहेगी। तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगली टिप्स देख लेते हैं। मेथी की साग की कड़वाहट हटाने के लिए उसे काटें, नमक मिलाकर थोड़ी देर के लिए अलग रखें और दबाकर थोड़ा रस निकाल दें। मेथी का साग यदि आप बना रहे हैं तो उसकी कड़वाहट को हटाने के लिए उसे सबसे पहले काट लें और उसके बाद नमक मिलाकर उसे रख दें, थोड़ी देर के लिए अलग ही रखें और दबाकर उसका सारा रस निकाल लीजिए और उसके बाद फिर मेथी का साग बनाइए, उसका कड़वाहट एकदम से दूर हो जाएगा और यह फायदेमंद भी होता है। इस समय ठंडी के सीज़न में मेथी का साग, पालक का साग, गोभी की सब्जी ये सब ज़रूर बनाया जाता है क्योंकि इसका सीजन रहता है तो इसी सीजन में अच्छा लगता है। तो इस उपाय को ज़रूर प्रयोग करें। अगला उपाय देख लेते हैं। आलू को उबालते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें तो आलू फटेंगे नहीं और आसानी से छिल जाएंगे। यदि आप आलू उबाल रहे हैं तो आलू उबालते समय कुकर में जब आलू रखें और पानी रखें तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें, इससे आपका आलू जल्दी उबल जाएगा और छीलने में भी आसानी रहेगी, आलू फटेगी नहीं। अगला उपाय है, आलू और प्याज को एक ही टोकरी में एक साथ न रखें, ऐसा करने से आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, आलू ज़्यादा गर्मी नहीं सह पाता है तो आलू और प्याज को एक साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि आलू जल्दी सड़ता है और प्याज लंबे टाइम तक सेफ रह सकता है, तो इसलिए आलू और प्याज को एक साथ नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा दिनों तक आपको सेफ्टी रखना है तो आलू और प्याज को अलग अलग टोकरी में रखें, नहीं तो आपके आलू के साथ साथ प्याज भी सड़ जाएगा। अगला टिप्स है, यदि दूध फटने की संभावना हो तो थोड़ा बेकिंग पाउडर डालकर उबालें, दूध नहीं फटेगा। यदि आप दूध उबाल रहे हैं और दूध फटने वाला हो तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है खाने में प्रयोग किया जाता है वो थोड़ा सा डाल दें, डाल करके दूध को उबाल लें, दूध नहीं फटेगा। अगला टिप्स है, करेले और अरवी को बनाने से पहले काटकर नमक के पानी में भिगो दें, करेले की कड़वाहट और अरवी की चिकनाहट निकल जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, करेला बहुत ही कड़वा होता है और अरवी में लसलसापन होता है जिससे वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए उसको दूर करने के लिए काट कर नमक के पानी में भिगो दें और थोड़ी देर बाद निकाल लें, इससे करेले की कड़वाहट दूर हो जाएगी और अरवी का चिकनापन हट जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये रहा टिप्स। टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑन कर दें जिससे इस चैनल पर कोई भी अच्छी अच्छी वीडियो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।